सागर में मामा शिवराज सिंह की लाडली बहना उस वक्त धरने पर बैठ गई जब वह प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या को लेकर निगम में दर दर भटकती रही। अगले एक दो महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी को लेकर विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत प्राप्त हो इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण योजना लाकर महिला वोट बैंक को अपने ओर करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर सागर जिले की सागर नगर निगम में एक लाडली बहन महापौर कक्ष के बाहर ही बैठ गई। जब मीडिया ने उससे सवाल किए कि आप इस तरह जमीन पर महापौर कक्ष के बाहर क्यों बैठी हैं, तब महिला ने बताया कि वह काफी समय से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नगर निगम के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और आज वह नगर निगम आई तो उसको सारे नगर निगम में एक जगह से दूसरी जगह अधिकारी घुमाते रहे। इसके बाद वह परेशान हुई महिला और महापौर से मिलने गई तो महापौर कक्ष में महापौर नहीं मिली। साथ ही जब कक्ष में मौजूद लोगों से उसने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाइए, जिससे हाथ होकर महिला महापौर कक्ष के बाहर करीब 4 घंटे तक बैठी रही। जैसे ही महापौर और कक्ष के अंदर बैठे लोगों को मीडिया के बारे में जानकारी लगी तो उन्होंने अंदर फाइनल में महिला को अंदर बुलाया और उसकी समस्या सुनी। यह तो गौर करने की बात है कि जो यह महिला शास्त्री बाट से आई है, इसने कई बार शास्त्री बाट के पार्षद से भी अपनी समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन जो शास्त्री वार्ड की निवासी है आज नगर निगम में दर दर भटकती रही। शास्त्री वार्ड में निगम में लेकर बैठे के हम जब भी आए तो कोई सुनाई नहीं होता आए। हम सुबह भटक रहे, उन्हें कही 8 नंबर जाओ, 8 नंबर में से कहीं 9 में जाओ, 9 में से कह रही 10 में जाओ, और 10 में से हम घेर पूरे बाट में फिर रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा। का काम से है? हमें कुटी को फार्म भरने लाडली बहना वालों पार्षद जी से नहीं बताया, वो तो नहीं गए थे, मानो सुनाई नहीं करी है। कल गए थे संजय दुबे। कितनी देर से बैठी हम बैठे गए आधा घंटा, 4 घंटा हो गए हमें बैठे। समस्या सुन भी आए ना? कोई नहीं आया, कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया। आप आए तो आपका क्या? नहीं आए तो बैठे रहे। अबे महापुर कक्ष में गई थी क्या आप? हाँ, नहा भी गए थे, कोई सुनाई नहीं है। कहीं घरे जाओ, वो कह रहा घरे जी जित जीत बैठे कमरा में, कोई सुनाई नहीं कर रहा। अभी चुनाव आ रहे हैं कुछ दिन जैसे हम वोटों को क्या देख, हम नहीं दे हम वोटे, हम सुन नहीं दे हम वोट, हमारे सुनाई नहीं हो, हम कहे तुम्हारी सुनाई कर रहे, हम नहीं कर सका सुनाई। तो कह रहे लाडली बहना बहुत प्रसन्न है, प्रसन्न है तो पहले हम बहनों की भी तो सुना पहला कि बहनों को क्या परेशानी है, बहनों की तो कोई नहीं सुना। लाडली बहना को भरोगा तो नहीं भरोगा तो बोले आपको पैसा? हाँ आ रहा है पैसा, हमें कुटी हमें चादर ओढ़ गई, हमारा यहाँ से हमें रह रहा, कोई सुनाई नहीं हो रहा, ओकरो घर डरो हम, हमने कहीं कुटी को फार्म भर यहाँ तो इतने सोते जाओ उतरे जाओ। आप कौन से मिलवे हम मैडम से मिलवे बैठे बाबू महापौर मैडम, महापौर मैडम हाँ, लेकिन उनके जन प्रतिनिधि भी तो बैठे हैं तो उनसे कहा नहीं होते, उनसे मिले सुन के दे बाहर जाओ को कह रहा हूँ जी अंदर है जितने प्रतिनिधि उनके। हाँ